कान मुकुट और एक हाथ बाकी बाप्पा, तुझे पूरा करने में एक पूरी रात बाकी बाप्पा। एक कड़क चाय हो जाए। चाय? क्या बात है परशा? बाप्पा लड्डू मोदक तो रोज खाते हो, तुम न कभी परशा के हाथ की चाय पी के देखो। पहली चुस्की एकदम गरम होती है, पीते ही सारी थकान नरम होती है बाप्पा। दूसरी चुस्की में तो कमाल होता है, आ पीते ही कड़कपन का धमाल होता है बाप्पा। वाह परशा, मूर्ति बहुत सुंदर बनी है दादा। बाबा ने सिखाया नियम नहीं तोड़ता, नींद छोड़ी है बारीकी नहीं छोड़ता। आखिर एक मूर्तिकार हूं, यही एक ख्याल रोज मनाता हूं कि जिसने इस दुनिया को बनाया उसे मैं अपने हाथों से बनाता। हमारी चिंता करते करते तुम भी जागते होंगे, आशीर्वाद बांटते बांटते घर घर भागते होंगे। बाप्पा पर कभी थक जाओ ना तो बेधड़क मांगना, परशा के हाथ की एक चाय कड़क मांगना। पापा वैसे स्पिरिचुअलिटी में भी तो टी होता है। सॉरी सॉरी जोक था, हंसना मत, पेंट भी सूखा नहीं पापा। दिन रात जागकर बाप्पा को साकार करने वाले हर मूर्तिकार के कला और कड़कपन को विक्रम टी सलाम करते हैं। विक्रम टी, कड़कपन जरूरी है।